Hi everyone, welcome वेलकम welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing really well. तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि आज मैंने अपने बालों को कर्ल किया हुआ है ये उन और डेज में से एक है जब मेरे बालों को आप कर्ल देख रहे होंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे पे कर्ल ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और ये मैंने खुद किए हैं तो पता नहीं मेरे पे अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे बट मुझे आज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सच्ची बताऊँ तो कर्ल क्योंकि मैं जब भी करती हूँ कुछ ना कुछ तो खराब हो ही जाता है बट यार जस्ट लुक एट देम यार They look सो डैम प्रिटी अपनी तारीफ को ज़्यादा कर ली बट अगर आप, आप लोगों को ये देखने हैं कि मैंने कैसे कर्ल किए हैं तो आई make मेक sure श्योर कि मैं ये वीडियो का लिंक डाल दूँ मैंने ये अभी ही अपलोड किया कुछ टाइम पहले एक दो दिन पहली तो आप लोग जरूर देख सकते हैं उस वीडियो को कि मैंने कैसे सिर्फ और सिर्फ पाँच मिनट में अपनी वीडियो को अपनी वीडियो कॉल किया कम ऑन मैंने कैसे सिर्फ पाँच मिनट में अपने बालों को कल किया तो आज की वीडियो है कुछ ब्लशेस के ऊपर में जो कि मुझे बहुत पसंद है ब्लश लगाने तो वो है शुगर कॉस्मेटिक्स के ब्लश ये मेरे पास इनके सारे शेड्स हैं इनके पांच शेड्स आते हैं तो इनका प्राइस कुछ है हमारा थ्री फिफ्टी के अराउंड बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड इट ऑन डिस्काउंट और न शुगर कॉस्मेटिक्स ही अगर आप लेते हैं ना तो उनके ना कुछ कुछ चलते ही रहते हैं ऑफर्स ना हमेशा ही तो आपको ये काफ़ी सस्ते मिल जाएगा इवन आपको फ्री में भी मिल सकता है उनके पास ऐसे कुछ ना कुछ कूपन रहते कि आप इतने का परचेज करोगे तो आपको ये ब्लश फ्री या इतने का सामान फ्री अगर आप फिफ्टीन हंड्रेड का परचेज करोगे सेवन हंड्रेड रुपीज ऑफ आई जस्ट लव देयर डिस्काउंट तो बिना किसी देर के हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए और प्लीज मेरे गले पर और प्लीज मेरे गले की खराब आवाज को इग्नोर करते हुए हम हाँ अपनी आज की वीडियो चलाते हैं शुरू करते हैं एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो शेयर माई वीडियो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड विदाउट फर्दर आई डो लेट्स इट स्टार्ट दानी होती है ना ये दाने ना मेरे को जीने नहीं देते ये दाना मेरे को दो हफ्ते पहले से और रखा है दाग जाने का नाम ही नहीं ले रहा है एनी anyway, वे सबसे पहला कलर मैं कौन सा लूँ मैं सोच रही हूँ मैं लूँगी मोव मार्बल क्योंकि ये मुझे सबसे कम पसंद है तो इसलिए मैं इसी से शुरुआत करूँगी मतलब मेरे को मॉव शेड्स इतने पसंद नहीं है शेड में कोई कमी नहीं है मेरे को ही नहीं पसंद तो ये है कुछ ऐसा सा इनकी पैकेजिंग कुछ ऐसी सी दिखाई देती है यहाँ पे आपको शेड का नेम मिल जाएगा यहाँ पे आपको फलाना वलाना डिटेल्स मिल जाएंगी बहुत बेसिंग पैकेजिंग येट क्यूट क्योंकि थ्री फिफ्टी में यार मैग्नेट वाली मिल रही है बढ़िया ब्रश मेरे पे कुछ अच्छा खासा है नहीं तो इसी से काम चलाऊंगी शीशा लाना मैं भूल गई तो अब मैं कैमरे में ही देख के लगाऊंगी भाई ये ब्रश देख रहे हो निकलने को हो रहा है इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी बहुत ज्यादा लग गया बहुत ज्यादा लग गया बहुत ज्यादा लग गया बहुत कोई बात नहीं अच्छा है ना ज्यादा लग गया हम शेर ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं मॉव मार्बल ये वाला शेड जैसे इसका नाम है मॉफ कलर का है और ये ना मतलब एक ऐसा यूनिवर्सल शेड है जो कि हर स्किन टोन पे सूट करेगा चाहे लाइटर स्किन टोन हो मीडियम हो डार्कर हो सब पे एकदम परफेक्ट लगने वाला है और बहुत प्यारा कलर है में। अब नेक्स्ट जो शेड है वो है ये वाला कोरल फ्लाइमैक्स यही भाई यही ब्रश है मेरे पे बट मैं आपके सामने देखिए आई एल मेक श्योर कि पुराना वाला शेड कुछ ना बचा हो तो अब हम लगा रहे हैं कोरल क्लाइमैक्स ये बहुत ब्राइट शेड है भाई आज मुझे जिंदगी में पहली बार रियलाइज हो रहा है ढंग का ब्रश होना ना बहुत जरूरी है ऐसा <coughs> लग रहा है साइड ना कि थप्पड़ मरवा के हटी हो मैं किसी ने अभी अभी मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया हो एनी इस थप्पड़ वाली साइड को साइड को एनी इस थप्पड़ वाली साइड को इग्नोर करते हुए हम अपना आपको शेड दिखाते हैं ये है कोरल क्लाइमैक्स जो कि इस साइड बहुत ज़्यादा लग चुका है और साइड बहुत कम लगा हुआ है बट हमको शेड दिख रहा है ये वाला जो शेड है ना वो हाँ मैं मानती हूँ दिखने में बहुत ज़्यादा चटक लगता है बहुत ज़्यादा तो ब्राइट लगता है लेकिन आप इसको थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे ना तो ये बहुत प्यार लगने वाला है सो वी कम टू आर नेक्स्ट शेड विच इज दिस वन पिंक पाइनाकल एकदम ही न पिंक कलर का कलर है क्योंकि उसका नाम ही पिंक कलर का कलर है ये कुछ ऐसा सा दिखाई देता है मैं आपको ना जरा डिफरेंस दिखाती हूँ मोव मार्वल और पिंक वाले में मोव जो है न मोव जो है न वो मोव है और पिंक जो है ना वो पिंक है वाह क्या डिफरेंस बता दिया है बट फिर से इसको अच्छे साफ करते हुए और फिर से कोशिश करते हुए कि हमारा मुँह थप्पड़ वाला ना लगे यार आज पता नहीं कब से मेरे क्या हो गया यार मैं कसम से इतना बुरा ब्लश नहीं लगाती कसम से मैं इतना बुरा ब्लश नहीं लगाती कसम से पिंक पाइन जो है वो कुछ ऐसा सा दिखाई देता है प्यारा सा पिंक कलर का शेड और पिंक कलर किसको नहीं पसंद यार पिंक कलर एक ऐसा कलर होता है ना जो कि अगर आप चीक्स पे लगा दो एकदम से ना वो क्यूट वाली वाइब आने लग जाती है बहुत ज़्यादा प्रिटी कलर है ये मतलब बहुत कम पिंक्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं और ये बहुत अच्छा कलर है सामन सुपर स्टार साफाई हो गई ओके एंड दिस वाइज माई फेवरेट शेड भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी इन साइड के ब्लशेज की वो ना मैंने इतने कम लगाए वो दिख नहीं रहे थे वीडियो में और ये मैंने कुछ ज़्यादा पौधा लिए कुछ उभर के गई दिखे जा रहे हैं फिर भी ये वाला जो शेड है वो है सेवन सुपर स्टार ये वाला शेड मुझे क्यों पसंद है वैसे ये वाला मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ना थोड़ा वार्म टोन का शेड है और हाँ जी ये सारे स्किन टोन्स पे जाने वाला है इसकी पिगमेंटेशन स्टॉप इस नॉच और यार मतलब इसमें थोड़ा सा ना औरेंजिश टेंट है जो कि ना मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है अपने ब्लशेस में तो गाइस अब मैं आ रही हूँ अपने आज के लास्ट शेड पे जो कि है इसका नाम क्या था मुझे नहीं पता इसका नाम ना कुछ पीच पीच करके है मैं ना लिंक में डाल दूँगी सारे और ये मेरे पास ना ऐसे है इनकी वाली पैलेट में तो मैं पूरी पैलेट का रिव्यू तो आपको नहीं दूंगी मैं होपफुली होपफुली क्या मैं इसका अलग से कुछ बना दूंगी वीडियो वगैरह तो ये वाला शेड कुछ ऐसा सा दिखाई देता है अ वेरी वेरी प्रिटी बहुत प्यारा न्यूट शेड बस थोड़ा सा लिया अरे इसमें शीशा था तो मैं तो तेरे से कहती मैं शीशा लेके नहीं बैठी स्टूपिड में यार अगर लेके बैठी होती तो कम से कम मैं ढंग से तो लगा लेती सारे ब्लशेस एनीवे anyway, अभी भी मैं इसी में लगाऊंगी सारे चीज़ें से चाहिए ना तो हमारा पीच पीक नाम है इसका शायद हाँ जी तो ये वाला कलर कुछ ऐसा सा दिखाई देता है बहुत न्यूट शेड है इसलिए ना ये बाकी जिस तरह ऐसे नहीं लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे पेड़ मारी हो तो ये वाला कलर हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है और मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ मैं खुशक मनती है बोलूँ पर फिर भी हमारा ये वाला शेड है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीच कलर एक ऐसा कलर है जो कि काफ़ी न्यूड होता है खुद में ही और ये वाला जो है ना मतलब ब्लश ये सच्ची में काफ़ी न्यूड है डेली वेयर के लिए एकदम परफेक्ट है तो गाइस मैंने आपको अपने सारे जितने भी अपने क्या है जितने भी पजूर के सारे शेड्स हैं ना पाँच के पाँच जो आपको सॉच करके दिखा दिए हैं और जैसे जैसे लगते हैं वही शक्ल पे मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाया हुआ था नीचे बस यहाँ पे लगाया हुआ था तो जस्ट टू कवर दिस पिंपल का बचा कुछ दाना पिंपल का बचा कुछ दाना कुछ भी बोलती हूँ मैं पर जो भी है तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं अगली बार तब तक के लिए बाय